ड्रीम्स हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम सोते हुए और सपने देखते हुए बिताते हैं, फिर चाहे वो आपको याद रहे या ना रहे, पर हम सब कुछ ना कुछ सपने तो जरूर देखते हैं। और कई बार हम अपने सपनों में इतना ज्यादा खो जाते हैं कि हम अपने सपनों को अपनी रियलिटी से कंपेयर करने लगते हैं। बट एज वी नो, ड्रीम्स आर नॉट रियलिटी, ये दोनों काफी अलग अलग चीजें हैं। बट वट हैपन इफ आई टोल्ड यू दैट देर इज एन एनिमे विच कैन ब्रेक योर पर्सपेक्टिव टू सी अ ड्रीम, और इन अदर वर्ड्स, ड्रीम्स आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम रियलिटी एनीमोर। नाउ काफी सारे लोग बोलेंगे कि ड्रीम्स रियलिटी, आर यू टॉकिंग अबाउट इंसेप्शन जो 2010 में आई थी, बट वो कोई एनिमे नहीं है। एंड या यू आर राइट, इंसेप्शन कोई एनिमे नहीं है, बट इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट द इंस्पिरेशन ऑफ इंसेप्शन, कि ये इंसेप्शन का कॉन्सेप्ट एक्चुअल आया कहाँ से। तो ये सब स्टार्ट होता है 1993 में एक नॉवल के आने से जिसका नाम होता है पापरिका। देन कम्स 2006 पापरिका द मूवी जिसको हम जानते हैं एज एन एनिमे। देन इन 2010 इंसेप्शन केम आउट, बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 2006 पापरिका द मूवी। एंड दिस मूवी इज ऑल्सो डायरेक्टेड बाय द लेजेंडरी डायरेक्टर सातोशी कोन, जिन्होंने परफेक्ट ब्लू जैसी मास्टरपीस मूवीज को भी डायरेक्ट किया है। और अगर आप ध्यान से इस मूवी को पहली बार देखोगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि इसमें कितने ओल्ड एनिमेशन स्टाइल का इस्तेमाल किया गया है। पहली बार मुझे भी ऐसा ही लगा था, बट मार्क माई वर्ड्स, एनिमेशन इस मूवी की कभी भी आपको एज अ बैरियर महसूस नहीं होती, बिकॉज सीन्स आर एब्सोल्युटली ग्रेट। और मुझे नहीं लगता कि उससे बेटर सीन्स को टाइम फ्रेम में क्रिएट किया जा सकता था, एंड हु केयर्स, बिकॉज हमें तो सिर्फ एंजॉय करने से मतलब है। और अगर हम इस मूवी के प्लॉट की बात करें तो इसमें आत्सुको चिबा नाम की एक मेन कैरेक्टर होती है, जो कि होती है एक डॉक्टर, और वो इस डिवाइस का इस्तेमाल करती है जिसका नाम होता है डीसी मिनी। और इस डिवाइस की स्पेशलिटी ये है कि इस डिवाइस को इस्तेमाल करके हम अपने ड्रीम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरों के ड्रीम्स में जा सकते हैं और उनके ड्रीम्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और हमारी मेन कैरेक्टर इस डिवाइस को उन पेशेंट्स को ट्रीट करने में हेल्प करती है जो कि मेंटल इलनेस से जूझ रहे हैं, और जो कि एक फैक्ट भी है, जापान में बहुत कॉमन है, अराउंड 80% ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम एनी मेंटल इलनेस। उस जापान की 80% पॉपुलेशन कोई ना कोई मेंटल इलनेस से जूझ रही है, और उस समय तक ही डिवाइस भी फुल्ली फंक्शनल नहीं था, यानी अपने प्रोटोटाइप स्टेज में था, यानी अपने अर्ली स्टेजेस में, जिसमें ये डिवाइस काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बन सकता है, इसमें कोई दिक्कतें आ सकती हैं, और इससे कोई भी इंसान इनफिनाइट कोमा में जा सकता है। और किसी बुरे हाथों में ये डिवाइस एक ओवर पावर वेपन की तरह है जो अपने सामने आने वाली हर चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए ये डिवाइस हो जाता है चोरी। और सभी स्टोरी की तरह जैसे विलन हारता है, तो हमारी मेन कैरेक्टर भी इस विलन को हरा के इस डिवाइस को ले लेती है। बट द क्लाइमेक्स इज फकिंग इंटरेस्टिंग कि मैं उसको सिर्फ मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सो दिस मूवी डील्स विद वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट, दैट इज ड्रीम्स एंड रियलिटी। और ये मूवी ड्रीम्स और रियलिटी के सारे डिफरेंसेस को खत्म करने की कोशिश करती है, और उनको जितना क्लोज हो सके उतना क्लोज ला के खड़ा कर देती है। और ये मूवी टाइम टू टाइम आपको चैलेंज करती है टू डिक्रिप्ट देयर सीन्स, और आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा फ्रेम एक ड्रीम को दर्शा रहा है और कौन सा फ्रेम रियलिटी को। और यही चीज इस मूवी को इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है कि ये मूवी आपको एक पल के लिए भी स्क्रीन से दूर होने का मौका नहीं देगी। एवरीथिंग इन दिस मूवी इज समथिंग एंड समवन्स ड्रीम, एंड अकॉर्डिंग टू आवर रियलिटी, ड्रीम्स एक इतनी मिस्टीरियस चीज है जिसके ऊपर साइंटिस्ट अभी तक स्टडीज कर रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं, बट दे स्टिल डिडंट फाइंड एनी क्लू कि व्हाई वी आर ड्रीमिंग, हम सपने क्यों देखते हैं और ये किस चीज को सिग्निफाई करता है। इस चीज के ऊपर काफी सारी थ्योरीज बन चुकी हैं, और कुछ थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि वी आर ड्रीमिंग राइट नाउ, ये सब जो हम देख रहे हैं यूट्यूब एनिमे मूवीज ये सब एक ड्रीम है, हम सब अपने सपने में देख रहे हैं। बट व्हाट हैपन इफ वी वेक अप, हम उठ जाते हैं तो हम सबसे पहले जाएंगे अपने फोन में और देखेंगे कि फोन भी है कि नहीं, अगर फोन है तो उसके अंदर यूट्यूब है कि नहीं, उसमें मेरा चैनल होगा कि नहीं। तो अगर आप रियलिटी से उठ के देखते हो कि अगर मेरा चैनल नहीं मिलता है तो घबराने की बात नहीं है, बिकॉज वी आर ड्रीमिंग आफ्टर ऑल। और एक महापुरुष ने कहा था, ईच ऑफ अस लिव्स डिपेंडेंस एंड बाउंड बाय आवर इंडिविजुअल नॉलेज एंड आवर अवेयरनेस, ऑल दैट इज व्हाट वी कॉल रियलिटी, हाउएवर बोथ नॉलेज एंड अवेयरनेस आर इक्विवोकल, वंस रियलिटी माइट बी अनदर इल्यूजन, वी ऑल लिव्स इनसाइड ऑन आवर फैंटेसीज। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी और आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में लिखना #complete। और अगर आपने चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना, और इस वीडियो को शेयर करना जितना हो सके ताकि मेरे को एंगेजमेंट मिले और आपके पास नया नया कंटेंट आ सके। तो आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।